रॉयल प्रेस क्लब के अध्यक्ष पत्रकार पंकज भदौरिया के खिलाफ सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं। सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ खबरें फैलाकर उन्हें गैंगस्टर बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, उनके खिलाफ षड्यंत्र पूर्वक थाने में FIR भी दर्ज कराई गई है। जब इस पूरे मामले की तहकीकात की गई तो पता चला कि यह FIR पत्रकार पंकज भदौरिया नहीं बल्कि उन्हीं के नाम के किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ दर्ज हुई है, जबकि कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर पत्रकार पंकज भदौरिया के नाम से खबरें डाली हैं। इसके बाद पत्रकार पंकज भदौरिया ने पूरी घटना की FIR कराते हुए साइबर सेल में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। पत्रकार वार्ता के माध्यम से उन्होंने इस पूरी घटना की जानकारी दी और बताया कि उनके नाम से सोशल मीडिया पर झूठी और भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है, जो एक बड़ा षड्यंत्र है। पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई गई है। जय हिंद, मैं पंकज भदौरिया हूं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक विशेष मुद्दे को लेकर बुलाई गई है, जो आज फेक खबरें सोशल मीडिया के माध्यम से किसी को बदनाम करने के लिए आसानी से चलाई जा रही हैं। तो इसी तरह का एक मामला अभी सामने आया है और जो मेरे नाम से संबंध रखता है, एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे पत्रकारों मित्रों के मोबाइल पर एक खबर चलाई गई जिसमें मुझे गैंगस्टर लिखा गया। इसकी मैंने जब तहकीकात और जानकारी ली तो पता चला कि ये पंकज भदौरिया मैं नहीं हूँ, ये किसी और पंकज भदौरिया के नाम पर FIR हुई है, जिसकी चर्चा जब मैंने थाने में ASP एडिशनल SP से की तो एडिशनल SP ने साफ तौर पे बोला कि ये जांच अधिकारी हैं, ये आपको बता देंगे, जिसका वीडियो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। ये मेरे साथी हैं यूनुस खान, ये आपको ये वीडियो दिखाएंगे। जब मैंने पुलिस से चर्चा की तो पुलिस ने साफ तौर पे ये बोला कि सर सॉरी, ये आप नहीं हैं, ये कोई और हैं पंकज भदौरिया, जो शराब कंपनी में काम करते हैं, वो आपस में मारपीट हुई है और उनके खिलाफ FIR। इस सारे मामले को जब मैंने पूरी तरह से समझ लिया, इसके बाद मैंने पुलिस डिपार्टमेंट में ऊपर तक बात की और साइबर क्राइम में ACP से बात करने के बाद मैंने सारा मामला साइबर क्राइम को सौंप दिया। साइबर क्राइम ने आश्वासन दिया है कि इसको हम जल्द से जल्द जांच में लेके इस पर FIR करेंगे और कार्रवाई करेंगे।